एवरीवन, मायसेल्फ मीना शर्मा, योर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर फ्रॉम होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल रेवाड़ी। लास्ट क्लास में हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था, बुक एक्टिविटी स्टार्ट की थी और बहुत से सारे स्टूडेंट्स ने वर्क करके मुझसे शेयर भी किया है, और जो अभी तक नहीं कर पाए हैं वो प्लीज़ साथ साथ कंप्लीट कीजिए। आज क्लास में हम देखने वाले हैं पेज नंबर 16, एक्टिविटी नंबर 8, दिस वन। आज हम ये पेज स्टार्ट करेंगे प्रिंट मेकिंग एंड टेक्सचर। प्रिंट मेकिंग मीन्स अलग अलग चीज़ों से मैं अपनी शीट पे प्रिंट्स ले सकते हैं, उनके अलग अलग तरह के टेक्सचर्स बना सकते हैं, किसी भी ग्रीटिंग कार्ड का बैकग्राउंड रेडी कर सकते हैं, या फिर हम कहीं राइटिंग वर्क करने वाले हैं तो उसके पीछे बैकग्राउंड के लिए हम शीट को पहले से अलग अलग टेक्सचर से रेडी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ मेक ग्रीटिंग कार्ड यूजिंग दिस टेक्निक, मीन्स जो आज टेक्निक हम सीखने वाले हैं उसको यूज़ करके हमें एक ग्रीटिंग कार्ड रेडी करना है। You can roll up newspaper or chart paper to get the circular impressions. Means अगर हमें इस तरह के circular impressions लेने हैं तो उसके लिए हम किसी chart paper को roll करके या फिर newspaper को roll करके भी हम उसके impressions ले सकते हैं। You can use small square baking box to get the other impression. और दूसरे impressions को बनाने के लिए हम square baking box भी use कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं हम ये इस तरह के स्टैम्प्स हम कैसे रेडी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ मटेरियल यूज़ अरेंज किया है यहाँ पे। जैसे कि हम ये स्क्वायर वाला बॉक्स बनाने के लिए हमें एक ये कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। कार्डबोर्ड से हम ये इम्प्रेशंस ले सकते हैं। किस तरीके से, देखिए जो कार्डबोर्ड की लेयर्स होती हैं अलग अलग, उसको हम इस ऊपर से ऐसे रिमूव करके इस तरह की हम लाइन्स ले सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे निकाला है और हम स्क्वायर शेप ये ले रहे हैं, इस साइज़ के स्टैम्प रेडी करने वाले हैं। तो इसको बेस देने के लिए मेरे पास एक बॉक्स था तो मैं उसके ऊपर ये स्क्वायर ऐसे पेस्ट कर रही हूँ। हम सिर्फ कार्डबोर्ड से भी ये बना सकते हैं, बट इसको होल्ड करने में थोड़ा इजी रहेगा ताकि हम इसको ऐसे स्टैम्प के लिए प्रॉपर शेप ले सके। इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको ड्राई होने के लिए रख रहे हैं। और यहाँ पे हम इस कार्डबोर्ड को देख रहे हैं, इसमें से ये इंप्रेशंस लेने के लिए मैं इसमें से कटिंग कर रही हूँ। आप कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट शेप्स ली हुई हैं, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सेम शेप लेनी है। तो इस तरह से मैं इसमें से शेप्स कट कर रही हूँ। इसको पूरे को मैं ऊपर से रिमूव कर रही हूँ ताकि हमें ये लाइंस और मिल जाएं और फिर हम इसके अकॉर्डिंग शेप्स कट करेंगे। इसमें से मैं अलग अलग लाइंस पैटर्न्स ले रही हूँ, कोई भी शेप कट करके आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं। ये कुछ मैंने टेक्सचर लिए, अब हम इसके ऊपर इसको अरेंज करते हैं। हमारी साइड की लाइंस कंप्लीट होनी चाहिए। इस तरह से मैंने कुछ शेप्स इसमें अरेंज कर लिए और अब इनको मैं इसी तरह से पेस्ट करने जा रही हूँ। एक एक शेप को आप ऐसे लेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हमने सारी शेप्स इस पर पेस्ट कर दिया। अब इसको हम ड्राई करने रखते हैं और हम देखते हैं ये सर्कल वाला स्टैम्प हम कैसे रेडी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक ये बॉक्स की कैप ली है, इस पर हम कोई भी एक मोटा थ्रेड पेस्ट करेंगे। आप किसी भी चीज़ की कैप ले सकते हो, सर्कल शेप होनी चाहिए। उसके ऊपर मैंने ये मोटा थ्रेड लिया है, इसको मैं फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर रही हूँ। जिसने सर्कल्स चाहिए आप उस अकॉर्डिंग इसको पेस्ट करेंगे। इसी की हेल्प से मैं इसमें ये पेस्ट कर रही हूँ। ध्यान रखेंगे थ्रेड थोड़ा मोटा होना चाहिए, थिक होना चाहिए ताकि उसके इम्प्रेशंस अच्छे से आ सकें। और इस तरह मैंने ये पूरा थ्रेड इस पर पेस्ट कर दिया है। अब इसको हम ड्राई करने के लिए रख देंगे। कुछ टाइम में ये ड्राई हो जाएगा तो हम इससे इम्प्रेशंस बना के देखेंगे। यहाँ पे मैंने ये रेड कलर लिया है इसमें, और अब हमारा ये स्क्वायर वाला स्टैम्प ड्राई हो गया। अब हम देखेंगे इसकी किस तरह के इम्प्रेशंस आते हैं। कलर हमें थोड़ा थिक लेना है
अगर हम कुछ राइटिंग वर्क करने वाले हैं तो कलर लाइट शेड लेंगे, अगर हम उससे कुछ बनाने वाले हैं तो थोड़ा डार्क और ब्राइट कलर्स लेंगे। जिस तरह से मैंने इसको स्टैम्प को इसमें डिप कर लिया है, और अब आपको दिखाऊंगी मैं किस तरह से इम्प्रेशंस आ रहे हैं आपके। आप देख रहे हैं किस तरह के इम्प्रेशंस आ रहे हैं, और एक अलग ही टेक्सचर रेडी हो गया है। इसी तरह से अब हमारा जो सर्कुलर मोशन वाला ये था, इसको भी हम ट्राई करेंगे। इसको हम दूसरे कलर से देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं ब्लू कलर ले रही हूँ, इसको थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे ताकि हमारे ये बहुत ज़्यादा कलर उसमें ना लगे और इक्वल क्वांटिटी हो कलर की। अब हम इसको स्प्रेड कर लिए और इस पर कलर टच किया, और अब हम इसके इम्प्रेशंस लेंगे। आप देख रहे हो किस तरह का टेक्सचर आ रहा है। इसी तरह से हम बहुत तरीके से स्टैम्प बना सकते हैं। फॉयल पेपर का जो रोल होता है उससे हम सर्कल स्टैम्प्स ले सकते हैं, उसको कटिंग करके हम अलग अलग तरह के फ्लावर्स बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना सुंदर टेक्सचर आ रहा है, और इसी तरह के टेक्सचर्स लेके और आप एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड रेडी करेंगे, और आपके वहाँ पे टेक्सचर्स विजिबल होने चाहिए। और आप ध्यान रखेंगे इस बात का, जब भी आप इम्प्रेशंस लेते हैं किसी चीज़ के, तो आपका कलर थिक होना चाहिए और क्वांटिटी थोड़ी कम होनी चाहिए, जिससे कि आपकी उस इम्प्रेशंस लेने की जो स्पेस होती है, जो आपके थ्रेड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कलर फिल ना हो जाए, ताकि आपकी इम्प्रेशंस आप देख रहे मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो आपको क्वांटिटी बहुत कम लेनी है कलर को स्प्रेड करके, और उस पर तब हमें स्टैम्प्स लेने हैं। आप जैसे देखते हैं, जैसे आपने छोटे थे तब लेडी फिंगर पेंटिंग की थी, थ्रेड पेंटिंग की थी, उसी तरह से अब हम ये अलग अलग टेक्सचर पेंटिंग देखेंगे और घर पे ट्राई करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, और अपना वर्क साथ साथ कंप्लीट कीजिए। थैंक यू, बाय।